साथियों, ये वीडियो मैंने कल भी डाला था कि 219 दिन बंदे को छुट्टी नहीं मिली और भाग गया। 219 दिन बाद में आया और उसकी बटालियन ने, उसकी फोर्स ने उसको बर्खास्त कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको आज दोबारा बहाल कर दिया। ये वीडियो मैंने कल डाला था, लेकिन इस वीडियो में कुछ लोग तो कमेंट्स कर रहे हैं, सर आपने बताया नहीं इसकी बटालियन कौन सी थी, कहानी क्या थी। बल्कि वीडियो में मैंने हर चीज, इसकी बटालियन कौन सी है, ये भागा क्यों था, ये वापस किस प्रक्रिया से आया है, सब चीज बताया है। लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखना और कमेंट्स कर देना, एक तो ये गलती है आप लोगों की। दूसरी, ये वीडियो हम पहुंचाना चाहते थे उन हरामखोर अधिकारियों तक, जिस घटिया आदमी को ये पता नहीं कि किस नियम के तहत मैं उस बंदे को बाहर निकाल रहा हूं, यानी जिस बंदे के ऊपर 1949 अब्लिक पैरा 11 का रूल लगाकर जिस बंदे को इन्होंने बर्खास्त किया है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है, हाई कोर्ट ने उस नियम की स्टडी करके कहा है कि भैया इस नियम में तो सख्त सजा का प्रावधान ही नहीं है, आप इसको कोई भी सजा देकर इसकी नौकरी रनिंग करके रखते, आपको ना तो इसमें भगोड़ा घोषित करने की होती और ना ही इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस की जरूरत थी। लेकिन वो घटिया लोग आज हाईकोर्ट के ऑर्डर से इसको वापिस ले रहे हैं, और वीडियो बनाने का मकसद होता है कि ऐसे और भी हरामजादे हैं जो बैठे हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम बॉस हैं, रेजिमेंटों के मालिक ही, बटालियनों के मालिक बन के बैठे हैं, और उनके ऊपर वाले भी कुछ जो गधे, जिनको मैं गधा ही कहूंगा, बोलते हैं कि सीओ ने कर दिया, वही कर दिया। अरे सीओ ने सब कुछ करना है तो तुम किस लिए बैठे हो? भारत सरकार का आधे से ज्यादा बजट तो तुम खा रहे हो, सौ सौ आदमी तुम्हारे बंगलों पर घूम रहे हैं, गाड़ी अनाप शनाप तुम्हारी बीवी बच्चों और कुत्तों के लिए घूम रही है। जब सीओ ने कुछ कर दिया तो फिर तुम किस लिए बैठे हो? ये सीओ तो आरामखोरी करते ही करते हैं। फिर कह रहा हूं कि जो भी अपने आप को बोलता है ना कि मैं बॉस हूं या कंपनी का मालिक हूं या बटालियन का मालिक हूं, उसको कहना चाहता हूं कि सिविल में जाके अपनी कंपनी खोलिए, यहां कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बोप नहीं है, आप भी भारत सरकार के नौकर हो और हमारा जवान भी उसी भारत सरकार से पेमेंट ले रहा है, तुम्हारा बाप दादा उसको पेंशन तनख्वाह नहीं दे रहा है। कुछ लोगों की जो घटिया मेंटेलिटी है कि इन जवानों को हम अपने घर से पेमेंट दे रहे हैं, कहते हैं कि भाई ये जवान तो कम पढ़े लिखे हैं हमारे कारण। अरे गधों, तुम जवानों के कारण ये कंधों पर पितर लगा के घूम रहे हो, ये जवान नहीं होंगे ना जो सर्दी गर्मी में तुम्हारे लिए मर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारे जो कंधों पर पीतल है ना, कोई नहीं पूछेगा उन पीतल को। वैसे तो हर जगह जहां सिविल में मार हो जाती है वहां तुम्हारी बत्ती बंद हो जाती है। अभी दो केस हुए हैं, कोई बड़ा अधिकारी सामने नहीं आया, कोई तुम्हारी बड़ी बड़ी टीम में पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस क्यों नहीं उठाकर लाओ उनको, बेंच दोनों थर्ड डिग्री पुलिस वालों को, वहां तुम्हारी बत्ती बंद हो जाती है, वहां तुम्हारा पावर खत्म हो जाता है, और इस तरह घटिया नियम लगाकर जवान को घर भेज रहे हो जिस नियम में घर भेजने का प्रावधान ही नहीं है। तो ये वीडियो डालने का हमारा मकसद था कि उन गधों तक पहुंचे, लेकिन आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया। और उसमें एक आदमी लिख रहा था, सर वीडियो लंबा बना देते हो, थोड़ा शॉर्ट बनाओ। मेरे को यह भी लिख रहा था चाचा जी, अरे चाचा जी के भतीजे, अगर तेरे बाप को इस तरह निकाला होता ना और आज उसको एक रुपया भी नहीं मिलता, तू या तो वो मजदूरी करता, जब तेरी माँ कहीं बर्तन माज रही होती। मैंने देखा है, मेरे राजस्थान का ही एक जवान है जिसका 10 नंबर फॉर्म वर्क है, उसको घर छोड़ गई फौज एएमसी के, और उनके वाइफ दूसरों के घर बर्तन मांज के गुजारा कर रही है। वो बंदा मेंटली आने के बाद में 2 साल में ही खत्म हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब था, और उसको इन्होंने बगैर पेंशन आउट कर दिया, और वो बंदा तो खत्म हो गया। उनकी वाइफ ने दूसरों के घरों में काम कर करके बच्चों को पाला है, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो मेरे से आज भी बात करते हैं कि किसी भी तरह हमारी पेंशन कराओ। उनको पूछो कि लंबा वीडियो और छोटा वीडियो क्या है, 10 साल निकल गए उनको बगैर कैसे काम कर रहे हैं। तो भतीजे, ये लिखने से पहले आपको लंबा लगता है तो वीडियो में आता है स्क्रॉल करना, आप मेरी चीजें छोड़कर वहां देख लिया करो। और फिर कहता हूं कि मैंने वीडियो में बनाता हूं अपने जवान भाइयों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो वंचित है न्याय से, ताकि वहां तक पहुंच जाए। तुम्हें साला एक 15 लाख का मैसेज वायरल हो रखा है, जिसको तो पता नहीं कितने ही लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, मेरे पास भेज दिया, जबकि वो झूठा है। और ऐसे वीडियो, हमारा काम ही क्या है, हम तो अपना नौकरी कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे बगल में आसपास में देखो ना, जो बेचारा जिसके परिवार के साथ ये है, उसको तुम ये कह दोगे ये तो डिफाल्टर था, इसको तो ऐसे लिए निकाला फलाना डिकड़ा। अरे वो डिफाल्टर नहीं था, उन गधों की वजह से घटिया नियम के तहत उसको बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो वो नौकरी कर सकता था, प्रावधान ही नहीं है। तो ये वंचित लोगों के लिए और उन गधों के लिए वीडियो है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इसको शेयर कर दिया करो।
ठीक है दोस्त। दूसरी बात, कुछ YouTube की ऐसी चीजें हैं, कुछ टाइमिंग है जिसकी वजह से वीडियो नहीं पहुंचता आपके पास, तो आप दिन में जब खाली बैठते हो आपके पास नहीं पहुंचता, तो आप रविंद्र फौजी टाइप करो, हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल के उसके बाद में आइकॉन को टच करोगे, पूरे वीडियो आ जाएंगे, उसमें बात देख लिया करो। हाँ कि आज लेटेस्ट वीडियो रविंद्र सर ने क्या क्या, अगर आप हमारे से जुड़े हो तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, क्योंकि YouTube या सरकार तो चाहती है कि हमारी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचे, तो अपना माइंड भी लगा लिया करो। सर्च कर कर ये तो बहुत जल्दी देख लेते हो कि क्या बढ़ने वाला है क्या नहीं। अरे आएगा जो तनख्वाह, अपना आप जुड़ के आ जाएगा। बाकी फिर निवेदन करूंगा कि वीडियो को देखकर शेयर जरूर करिए, चैनल आपका है, चैनल से जुड़े और साथियों को भी जोड़े जो हमारे हित में है, जिनको लगता है कि रविंद्र फौजी सही है, वो लोगों को जोड़े, और भैया क्रांतिकारी लोगों को जोड़े, ये घटिया लोग और जिनको सही लगता है वो दूर रहो भाई। उसी के साथ हमेशा कहता हूं कि भाई चैनल से नॉर्मल जुड़ना है तो इससे जुड़ के रखो। बहुत से साथी हमारे को कहते हैं कि सर आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी टीम को, तो हालांकि चैनल में एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया बड़ी है। अगर आप वहां जाकर ज्वाइन करोगे, जो उसमें जो मांगेगा ना कि ये भरो फरो, वहां आदमी वहीं बोल जाता है, और उसका कुछ पैसा यूट्यूब भी लेती है, तो आप वहां नहीं तो डायरेक्ट मेरा जो नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप फोन पे पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, आप इस पर जाइए, अपना जो भी डोनेशन दे सकते हो डोनेशन दो कि हाँ सर मैं आपकी रविंद्र फौजी टीम से, घातक टीम से जुड़ा हुआ हूँ, वीडियो भी शेयर करता हूँ, तन मन धन से आपके साथ हूँ, और इसी पे व्हाट्सएप नंबर पर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं इस फोर्स से हूँ और मैं आपका परमानेंट मेंबर हूँ, आप इसके जरिए भी बन सकते हो, और जिनको नहीं देना वो वीडियो को नहीं छोड़ देना, पूरा वीडियो देखकर कहानी सुनकर शेयर जरूर कर देना, और जो हमारे साथी हैं वो चैनल से लोगों को जोड़ो, और आपकी जिम्मेवारी है कि आपके हर एक आसपास में कहीं भी कोई भी ऐसा वंचित है तो इस नंबर पर मेरे को बताओ, हम वहां पहुंचकर उसकी कहानी और उससे जो भी मदद होगी हम वो लोग उसकी मदद करेंगे। अब रविंद्र फौजी हर जगह पहुंच नहीं सकता, तुम्हें अपने पड़ोसी का या ऐसे गाँव आसपास में ऐसे बंदे की कोई खबर ही नहीं है, तुम्हें क्या लेना उसका, फिर तुम्हारे साथ होगी तब याद आएगा क्या है, ठीक है? इसलिए वीडियो को देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एमपी ग्वालियर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें हमारे एक जवान जो कि 219 दिन भगोड़ा यानी बगैर छुट्टी के एडब्ल्यूएल हो जाता है, और जब 219 दिन बाद वो अपनी बटालियन में जाता है तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर देके कि भाई आपको हमने बर्खास्त कर दिया। आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बहुत से जवान, अभी मेरे पास कल भी एक सीआरपीएफ के जवान का फोन आ रहा था कि सर मैं ऐसे ऐसे भगोड़ा हो गया था और 150 दिन लेट हुआ था बंदा, लेकिन मेरी बटालियन ने मेरे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया और मैं घर बैठा हूं। तो ऐसे बहुत से जवान घर बैठे हैं जो कोर्ट की तरफ नहीं जा पा रहे, और जाते हैं तो वहां फर्स्ट जो कोर्ट होता है ट्रिब्यूनल वगैरह, वहीं से अपनी हार मान के और बैठ जाते हैं। ये जवान ट्रिब्यूनल में जब इसको फैसला नहीं मिला, हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट में आज हालांकि समय लगा, लेकिन समय के बावजूद आज कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया है। तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जब तक आप शेयर नहीं करोगे, या हमारे दूर दराज बैठे गांव में ऐसे पुराने बंदे हैं या ऐसी जगह बैठे हैं जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, और आज अगर वो इस तरह इस गलत नीति का शिकार हो गए और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तो वो दोबारा नौकरी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो और जानकारी उन तक पहुंचती है तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत से हमारे साथी कहते हैं वीडियो से क्या होता है, तो वीडियो से जनता को जागरूक किया जा सकता है, जवानों को, कि आप अपने हक के लिए कैसे लड़ सकते हो। लेकिन की बात करूं तो वीडियो से ऐसे छोड़ देते हैं, तो वीडियो नहीं छोड़ना, आगे की इस जवान की जो कहानी है वो सुन लो, कैसे ये मतलब वापिस आया और क्या इसको समस्या आई थी, ताकि किसी को और समस्या आई तो उसको आप सलाह भी दे सकते हो। आपको बता दूं कि ये जवान आशीष जो कि भिंड ग्वालियर का ही रहने वाला है, तो ये आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते हैं या आपका कोर्ट मार्शल के बाहर भेजते हैं, तो ये जिस नियम को फॉलो करते हैं, जो कानून उसमें लिखते हैं,
जैसे इस बंदे के ऊपर इन्होंने जो एक्ट लगाया है 1949 पैराग्राफ 11, यानी 1950 का जो सेना अधिनियम है, सीआरपीएफ एक्ट है, वो 11 के तहत इनको निकाला है। जबकि हाई कोर्ट ने जब उस नियम को निकाला और स्टडी करी, तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि आप जिस नियम के तहत इनको निकाल रहे हो, उस नियम में इतनी बड़ी सजा देने का प्रावधान ही नहीं है। तो ये आपने गलती की है, इसलिए इसे दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन कराएं। तो ये हमारे बहुत से अधिकारी गण हैं, उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करना कि श्रीमान आप जिस चीज में सजा दे रहे हो। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, हालांकि जब आप वीडियो को वायरल ही नहीं करोगे, जब तक आप मेरे को कहते हो सर आपके वीडियो से असर नहीं हुआ, अरे तुम लोग जब उस वीडियो को देखकर शेयर नहीं कर सकते, इतने डरे डरे हुए हो, सर हमारे तो लेटर जा रखे हैं, रविंद्र फौजी से जुड़ना नहीं है, रविंद्र फौजी को कुछ बताना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी है, कुछ मत करो, मेरे से मत बात करो, लेकिन इस वीडियो को सिविल में शेयर कर दो अपने कहीं भी। वीडियो के जो व्यू है, संख्या है, वायरल होनी चाहिए। वायरल होता है तो उस पर एक्शन होता है, और एक्शन भी नहीं होगा तो कम से कम दोबारा वो गलती करने के लिए 50 वर्ष सोचेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे जो कुछ एक घटिया सीईओ होते हैं, जो एक्ट लगा रहे हैं लेकिन उस एक्ट में ये नहीं पता कि ये प्रावधान है क्या। जैसे हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि जो 1949 का 11 अधिनियम आपने लागू किया है, उसमें सजा देने का हक तो है, लेकिन इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकते कि आप इसको बर्खास्त ही कर दो। और यह कहकर हाईकोर्ट ने उसको आज वापिस ज्वाइनिंग दी है और दोबारा कहा है कि इस फैसले पर दोबारा आप विचार करें। तो आज इस जवान की पूरी कहानी बता रहा हूं मैं, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपका है, मैंने जवानों के लिए बनाया, चाहे सेना, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे पुलिस, कहीं भी जवान जो अफसरों की तानाशाही होती है, जो आपसे बूट फुलाइस कराया जा रहा है, घरेलू काम कराया जा रहा है, जो आपके 10 नंबर भर दिया भरकर आपको भेजा जा रहा है, मतलब जितनी भी तानाशाही है, अंग्रेजों के काले कानून है, उसके खिलाफ ही मैंने इन चैनल बनाया है। लेकिन आज भी 8 लाख के करीब हम पहुंचे पहुंचे, अभी 8 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। अगर आप इसको 10-10 जोड़ो तो हम 80 लाख हो सकते हैं, 100-100 जोड़ो तो 8 करोड़ हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन आपके कानों पर भी जू नहीं रेंगती, बस सर हम वीडियो देखते हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ना तो पूरा वीडियो देखना, ना ही वीडियो को शेयर करना, अब किस प्रकार आप साथ हो तो पता नहीं। और हमेशा मैं कहता हूं कि इस चैनल का चाचा जी, अरे चाचा जी के भतीजे, अगर तेरे बाप को इस तरह निकाला होता ना, और आज उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, और तू या तो वो मजदूरी करता, जब तेरी माँ कहीं बर्तन माज रही होती। मैंने देखा है, मेरे राजस्थान का ही एक जवान है जिसका 10 नंबर फॉर्म भर के उसको घर छोड़ गई फौज एएमसी के, और उनके वाइफ दूसरों के घर बर्तन मांज के गुजारा करी है। वो बंदा मेंटली आने के बाद में 2 साल में ही खत्म हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब था, और उसको इन्होंने बगैर पेंशन आउट कर दिया, और वो बंदा तो खत्म हो गया। उनकी वाइफ ने दूसरों के घरों में काम कर करके बच्चों को पढ़ा है, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो मेरे से आज भी बात करते हैं कि किसी भी तरह हमारी पेंशन कराओ। उनको पूछो कि लंबा वीडियो और छोटा वीडियो क्या है, 10 साल निकल गई उनको बगैर कैसे काम कर रहे हैं। तो भतीजे, ये लिखने से पहले आपको लंबा लगता है तो वीडियो में आता है स्क्रॉल करना, आप मेरी चीजें छोड़कर वहां देख लिया करो। और फिर कहता हूं कि मैंने वीडियो में बनाता हूं अपने जवान भाइयों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो वंचित है न्याय से, ताकि वहां तक पहुंच जाए। तुम्हें साला एक 15 लाख का मैसेज वायरल हो रखा, जिसको तो पता नहीं कितने ही लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, मेरे पास भेज दिया, जबकि वो झूठा है। और ऐसे वीडियो, हमारा काम ही क्या है, हम तो अपना नौकरी कर रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे बगल में आसपास में देखो ना, जो बेचारा जिसके परिवार के साथ ये है, उसको तुम ये कह दोगे ये तो डिफाल्टर था, इसको तो ऐसे लिए निकाला फलाना डिकड़ा। अरे वो डिफाल्टर नहीं था, उन गधों की वजह से घटिया नियम के तहत उसको बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो वो नौकरी कर सकता था, प्रावधान ही नहीं है। तो ये वंचित लोगों के लिए और उन गधों के लिए वीडियो है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है दोस्त। दूसरी बात, कुछ YouTube की ऐसी चीजें हैं, कुछ टाइमिंग है जिसकी वजह से वीडियो नहीं पहुंचता आपके पास। तो आप दिन में जब खाली बैठते हो, आपके पास नहीं पहुंचता, तो आप रविंद्र फौजी टाइप करो, हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल के उसके बाद में आइकॉन को टच करोगे, पूरे वीडियो आ जाएंगे, उसमें बात देख लिया करो। हाँ, कि आज लेटेस्ट वीडियो रविंद्र सर ने क्या क्या, अगर आप हमारे से जुड़े हो तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, क्योंकि यूट्यूब या सरकार तो चाहती है कि हमारी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचे, तो अपना माइंड भी लगा लिया करो। सर्च कर कर ये तो बहुत जल्दी देख लेते हो कि क्या बढ़ने वाला है, क्या नहीं। अरे आएगा जो तनख्वाह, अपना आप जुड़ के आ जाएगा।
बाकी फिर निवेदन करूंगा कि वीडियो को देखकर शेयर जरूर करिए, चैनल आपका है, चैनल से जुड़े और साथियों को भी जोड़े जो हमारे हित में है, जिनको लगता है कि रविंद्र फौजी सही है वो लोगों को जोड़े, और भैया क्रांतिकारी लोगों को जोड़े, ये घटिया लोग और जिनको सही लगता है वो दूर रहो भाई। उसी के साथ हमेशा कहता हूं कि भाई चैनल से नॉर्मल जुड़ना है तो इससे जुड़ के रखो। बहुत से साथी हमारे को कहते हैं कि सर आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी टीम को, तो हालांकि चैनल में एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया बड़ी है। अगर आप वहां जाकर ज्वाइन करोगे जो उसमें जो मांगेगा ना कि ये भरो भरो, वहां आदमी वहीं बोल जाता है और उसका कुछ पैसा यूट्यूब भी लेती है, तो आप वहां नहीं तो डायरेक्ट मेरा जो नंबर है 8290 35 45 13, ये मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप फोनपे पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, आप इस पर जाइए, अपना जो भी डोनेशन दे सकते हो डोनेशन दो कि हाँ सर मैं आपकी रविंद्र फौजी टीम से, घातक टीम से जुड़ा हुआ हूँ, वीडियो भी शेयर करता हूँ, तन मन धन से आपके साथ हूँ। और इसी पर व्हाट्सएप नंबर पर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं इस फोर्स से हूँ और मैं आपका परमानेंट मेंबर हूँ, आप इसके जरिए भी बन सकते हो। और जिनको नहीं देना वो वीडियो को नहीं छोड़ देना, पूरा वीडियो देखकर कहानी सुनकर शेयर जरूर कर देना, और जो हमारे साथी हैं वो चैनल से लोगों को जोड़ो। और आपकी जिम्मेवारी है कि आपके हर एक आसपास में कहीं भी कोई भी ऐसा वंचित है तो इस नंबर पर मेरे को बताओ, हम वहां पहुंचकर उसकी कहानी और उससे जो भी मदद होगी हम वो लोग उसकी मदद करेंगे। अब रविंद्र फौजी हर जगह पहुंच नहीं सकता, तुम्हें अपने पड़ोसी का या ऐसे गांव आसपास में ऐसे बंदे की कोई खबर ही नहीं है, तुम्हें क्या लेना उसका, फिर तुम्हारे साथ होगी तब याद आएगा क्या है, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखें शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।